तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टीसीपी आईपी के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था टीसीपी एंड यूडीपी दो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में यूज़ होता है, टीसीपी एंड यूडीपी को हम डिटेल से पढ़ते हैं। टीसीपी यूडीपी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्या काम करता है, किस किस के क्या काम है। ठीक है, तो हम इसको पहले तो करते हैं छोटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है हमारा टीसीपी एंड यूडी। तो टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, पहले टीसीपी एंड यूडीपी, बाद में इन दोनों के बीच में हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहला पढ़ लेते हैं इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो कोई भी कम्युनिकेशन रिलायबल कम्युनिकेशन कराना है, नेटवर्क के अंदर जब भी कोई कम्युनिकेशन होगी है रिलायबल के साथ अच्छा है, तो वो स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्या है? जब भी मैं इट जब क्या होगा, हमें कोई भी रिलायबल कम्युनिकेशन इफ इन द नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड बी गुड एंड रिलायबल। ठीक है, जब भी कोई कम्युनिकेशन होगी कंप्यूटर नेटवर्क में और मतलब सही और रिलायबल होगा, तो वो काम किसका है? टीसीपी आईपी का, टीसीपी का, टीसीपी आईपी नहीं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, ये भी किस में आता है? टीसीपी आईपी के अंदर होते हैं। टीसीपी क्या फीचर्स दिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ टीसीपी। तो मैंने ये वाला है आपसे, तो जैसे कि टीसीपी क्या है, सबसे पहले उस डेस्टिनेशन में सपोज दैट की दो कनेक्शन, ठीक है, दो कनेक्शन होंगे, ये एक पीसी है और ये बीपीसी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कनेक्शन कैसे होंगे, कनेक्शन के टाइप्स कैसे होंगे? तो कनेक्शन के टाइप्स कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, कनेक्शन टाइप ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, टीसीपी यूडीपी जो है, ओह शिट सॉरी, ये जो है गलत हो गया है। ठीक है, ये है टीसीपी और ये है यूडीपी और ये है इसके अदर थिंग्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो टीसीपी है, चलो भाई मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसी से, ये करता हूँ मैं, ये करके थोड़ा इधर से।
टीसीपी एंड यूडीपी हो गया। चलो तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होंगे वो किस तरीके के कम्युनिकेशन होंगे, ठीक है। पहले तो कनेक्शंस होंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या बनेंगे, रिलायबिलिटीज़ क्या होंगी, उनके बीच में स्पीड्स क्या होंगे, हैंडशेक कैसे होंगे, होंगे नहीं होंगे, एक्नोलॉजमेंट क्या होगा, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या क्या होंगे, एरर चेक होगी कि नहीं होगी, और एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इट फर्स्ट फर्स्ट क्या हमारा कि टाइप ऑफ कनेक्शन, इट इज़ एन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिटर नेटवर्क, मतलब जब भी दो है हमारे पास, सपोज दैट कि ये हमारे पास टीसीपी ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर का कनेक्शन ऐसे होंगे, सबको डेटा ट्रांसफर करना एक पीडीएफ, ठीक है, सेंड करना है बी को, पहले इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा मतलब जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। कनेक्शन भी कैसे होगा कि भाई रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी जा करके कुछ ये कर पाएगा, तभी जा करके आगे डेटा सेंड कर देगा। बट यूडीपी में क्या होगा, यूडीपी में है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। सबसे पहले बड़ी डिसएडवांटेज है कि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब ये क्या जानता है, थ्रो करना जानता है, मतलब इसने क्या किया, फेंक दिया, चलो यार कुछ नहीं कर, इसको कैस का क्या जा रहा है, इसका कुछ नहीं जा रहा है, ये क्या करेगा, सीधा उठाएगा पैकेट को, ए से लिया और बी पे फेंक दिया, इसको कोई मतलब नहीं है कि वो पैकेट रिसीव कर रहा है नहीं रिसीव कर रहा है। तो क्या है, इट इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल विच मीन्स दैट इट सेंड्स डेटा विदाउट चेकिंग वेदर सिस्टम इज़ रेडी टू रिसीव और नॉट। क्या बोलेगा, जैसे कि सपोज़ करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आप प्रिपेयर नहीं हो और आपके पास क्या होता है, कैच आ जाती है, तो कैच आ गई तो आपने क्या किया, या तो वो पकड़ लो या छोड़ दो, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, तो ऐसे ही होगा सब, फॉर एग्जांपल वही है, ठीक है। फिर रिलायबल है कि नहीं, टीसीपी इज़ रिलायबल प्रोटोकॉल एज इट इज़ प्रोवाइड अश्योर दैट डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, ये क्या करते हैं, अश्योरेंस है डिलीवर, जो डेटा पैकेट जो जाएगा जब इस्टेब्लिश होगा कनेक्शन ए और बी के बीच में, कनेक्शन जब इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या करेगा, ये आपस में डेटा को ट्रांसफ़र करके ही छोड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं भेजेगा। यूडीपी क्या करेगा, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है तो हमको ही पता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल, इट डज़ नॉट टेक द गारंटी फॉर डिलीवर द पैकेट, क्या करेगा ये कोई गारंटी नहीं लेता कि हाँ भैया ठीक है। जैसे सपोज करो ना, हम कॉल करते हैं किसी को, तो ये कंफर्म ये नहीं है कि कॉल वो कॉल हुआ तो छोड़ जाता, कुछ बात रहे हेलो का अच्छे रह जाएगा, हे रह जाएगा, फिर इसके क्या बीच में कुछ छूट गया, छूट ही गया, सेम चीज़ फिर, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या है, यूडीपी जब भी कनेक्शन बनेगा, जब भी आप मतलब का कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होगा तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, स्टेबल होंगी, जैसी स्टेबल होंगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा यूडीपी के कंपैरिजन में, टीसीपी का स्पीड क्या रहेगा, स्लो रहेगा। और ये क्या करेगा, एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल, प्रोवाइड अश्योर दैट डिलीवर ऑफ डेटा, ठीक है, अश्योर टू द डिलीवरी, डेटा डिलीवरी की या मैसेज डिलीवरी का क्या करेगा, अश्योरेंस लेगा, मतलब हाँ भैया मैं कन्फर्म है कि पहुँचा दूंगा, अदरवाइज जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद रिलायबल है, रिलायबल के बाद क्या करेगा, स्पीड कम हो जाएगा लेकिन आपको डेटा पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, आपको ए से भेज रहे थे आप बी पे, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रखा है, अच्छे से बाउंडिंग बनी हुई है, तभी कनेक्शन बी के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। थर्ड इसमें है यूडीपी क्या है, फास्टर देन टीसीपी डज नॉट गारंटी द डेटा डिलीवरी पैकेट, मतलब ये फास्टर तो है, ये क्या करेगा, फेंक देगा, जय भैया पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, लेकिन क्या होगा, कंफर्म नहीं है कि उसके पास डेटा जाएगा या नहीं जाएगा, उसके पास कोई गारंटी नहीं है, मतलब नो गारंटी, ठीक है, नो गारंटी है। फिर हेडर साइज, जो हेडर साइज है इसका 20 बाइट्स का होगा और इसका 80 बाइट्स का होता है, जब ये अपना टीसीपी का हेडर ऐड करेगा, जब एक पैकेट निकला, ठीक है, पैकेट के ऊपर क्या किया आपने, हेडर ऐड किया, तो इसके हेडर की साइज़ होगी, बट यूडीपी क्या क्या करेगा, यूडीपी क्या करेगा, 8 बाइट्स का हेडर डालेगा और भेजेगा आगे, चलो नेटवर्क में चला जाएगा। एक्नॉलेजमेंट क्या, टीसीपी में जब भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे, जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा, कोई ना आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया है या फिर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है या फिर जो भी रिक्वायर्ड, तो कैसे होगा, टीसीपी यूज थ्री वे हैंडशेक, ठीक है, टू कनेक्ट, थ्री वे हैंडशेक कंसेप्ट, ठीक है,
थ्री हैंडशेक मतलब पहले ईपीसी है, बीपीसी है, पहले भेजेगा सिन, बोले सिंक्रोनाइज पैकेज भेजेगा, फिर सिनेक, ठीक है, फिर क्या भेजेगा, एक्नोलॉजमेंट, मतलब सिनेक, एक मतलब एक्नोलॉजमेंट। तो पहला पैकेट भेजेगा सिन, हेलो पैकेट भेजेगा, ठीक है, फिर ये भेजेगा सिन, ये भी भेजेगा सिन, तो ये ऐसे करेगा, ठीक है। इट इज कंसेप्ट ऑफ इफ सेंडर इज रिसीव एक्नोलॉजमेंट देन सेंडर विल सेंड द टीसीपी डेटा। अगर ये तीनों, मतलब पहला पैकेट हो गया सिन, दूसरा हो गया सिन प्लस एक, ठीक है, और तीसरा हो गया एक्नोलॉजमेंट, ये सेंडर, ये सोर्स भेजेगा, ये डेस्टिनेशन से आएगा ये सोर्स। अगर ये तीनों पैकेट डिलीवर हो जाते हैं, तीनों पैकेज मैच हो जाते हैं, तभी डेटा ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। TCP also has the ability to save the data logs, to save the data logs. पर TCP आप सर्विस, इन केस आप एक MP, एक वीडियो भेज रहे थे जो 10 MB की, 10 MB का वीडियो भेज रहे हो, लेकिन क्या हुआ, बीच में आपका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा भाई, अब आपका डेटा क्या नहीं जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो डिलीवर होगा, ये आपको डेटा डिलीवर करके ही देगा, TCP जो है वो करके ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रिलायबल, क्योंकि ये गारंटी लेता है, अश्योरेंस है, लेता है, लेकिन इसका क्या है, नो गारंटी हो गया, हमारा कोई गारंटी नहीं कि हम डेटा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ठीक है। यू अब UDP क्या है, UDP डज नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, इट जस्ट सेंड द डेटा, मतलब अब थ्री वे हैंडशेक हो या ना हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर ले ले भैया अपना डेटा पकड़ो, हम तो चलें, ये अपना दे करके चला जाएगा, ठीक है। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है, फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है, एड्रेस साइज एक्नोलॉजमेंट फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म विच इज टू मैनी पैकेट्स कैन नॉट सेंड बाय सेंड टू द रिसीव एट द सेम टाइम, क्या करेगा ये, एक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म चलाता है। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या करेगा कि ये, एक सेकेंड पहले डिलीट करूँ, थोड़ा समझने में और दिक्कत ना हो। ये क्या करता है, एक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करता है, जिससे कि क्या होता है कि एक साथ ही वो क्या करता है ना, पूरा मतलब इसके पास सेम भी करेगा, देगा उसको वन बाय वन, उसके टैगिंग कर देगा, ये सपोज करके दो दो एम बी आएगा, पाँच को नंबर डाल देगा, 3 4 5 चला जाएगा इसको, सपोज दैट कनेक्शन आपका बीच में ब्रेक हुआ, दोबारा स्टेबल हुआ तो आपका चला गया, फिर क्या करेगा, एक्नोलॉजमेंट भेजेगा, इसके पास एक्नोलॉजमेंट में क्या जाएगा कि भैया ठीक है, कितने पैकेट थे आपके पास, 5 पैकेट थे, आपके पास कितने रिसीव हुए बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश बंद होने के, ब्रेक होने के बाद, 4 पैकेट, वो बोलेगा एक पैकेट और, तो चेक करेगा सिक्वेंस, अच्छा कौन सा पैकेट है, चौथा पैकेट, तो क्या करेगा वापस से चौथा पैकेट आपको सेंड कर देगा। बट फिर से वही बात, अब UDP क्या करेगा, कोई मैकेनिज्म यूज़ करेगा नहीं, उसको मतलब ही नहीं है कि भैया क्या है, आप उसको कोई मतलब नहीं है, एरर चेकिंग करेगा, एरर चेकिंग में वही कि चेकसम लगा देगा, पैक TCP परफॉर्म्स एरर चेकिंग बाई यूजिंग चेकसम, चेकसम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, चेकसम को जब भी ये पैकेट भेजेगा और उसके अंदर एरर चेक करने के लिए, सपोज चौथे नंबर का पैकेट है तो कुछ चेकसम वैल्यू रहेगी उसके ऊपर, वो उससे पता लगा लेगा, फिर व्हेन द डेटा इज करेक्ट करेक्ट देन डेटा इज ट्रांसमिट टू द रिसीवर, अगर डेटा करेक्ट होगा तो ही ट्रांसमिट करेगा रिसीवर के पास, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये क्या UDP क्या करता है, ये कोई कुछ चेक नहीं करता है, नॉट मतलब पैकेट ठीक है, चेकसम नहीं मिला, कोई नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, ये इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही अपना डेटा, इसको कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशंस क्या है, दिस एप्लीकेशंस में क्या कहेंगे, दिस प्रोटोकॉल इज मेनली यूज वेयर सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। TCP का यूज़ करते हैं जब सिक्योर मतलब बिल्कुल प्रोटेक्टेड, और रिलायबल मतलब बिल्कुल हाँ कि 100% आपको सिक्योर चाहिए, रिलायबल मतलब कि हाँ, जैसे कि आप मिलिट्री मिलिट्री में तो हो जाए, लाइक जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गया, ब्रेव ब्राउजर, google.com की मेनली यूज़ कहाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज जहाँ होती है जहाँ पे सिक्योर एंड रिलायबल होना चाहिए कि हाँ भैया कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना चले जाए, पता चला बम फोड़ना था आपको अदर कहीं और ट्रेनिंग में, आपने जा करके उसको किसी कहीं के किसी के घर पे फोड़ दिया, ठीक है, तो वैसा वाला नहीं है,
वेब ब्राउजिंग होती हैं, ईमेल है, ईमेल क्या होती है, सीओटी है। जैसे कि आपने गलत मेल का एक भी कुछ भी गलत टाइप कर दिया तो क्या होता है ना, वो बाउंस हो जाता है, पोस्ट मास्टर का एक मेल आता है, तो वो टीसीपी का ही होता है, अदरवाइज़ ये नहीं आता। और इसमें क्या है, दिस प्रोटोकॉल यूज वेयर फास्टर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड एंड डज नॉट केयर अबाउट द रिलायबिलिटी लाइक वॉइस ओवर आईपी, गेम स्ट्रीमिंग, वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग ईटीसी। मतलब जब भी आपको रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, आप जैसे कि कॉल कर रहे हो वॉइस ओवर आईपी कॉलिंग के लिए, गेमिंग स्ट्रीमिंग जब आप गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हो आप ऑनलाइन, चलो ऑनलाइन में तो आजकल स्ट्रीमिंग हो जाती है, टीसीपी कनेक्शन है यूट्यूब का, और भी बाकी चीज़ें हैं, मतलब वीडियोस हैं, कुछ ब्रेक हो गई, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग है, म्यूज़िक चल रही है बीच में ब्रेक हो गया तो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हैं टीसीपी आईपी के क्या चीज़ें, क्या क्या है फीचर्स, ठीक है, मतलब टीसीपी आईपी के क्या क्या मतलब डिवाइडेशन कैसे होगा, टीसीपी क्यों है और यूडीपी क्यों है, तो ये आप लिख लो, मैं एक काम करता हूँ। मैं इसको नीचे दोबारा डाल देता हूँ, ये आप वीडियो पॉज करके और आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं।